आपसे निवेदन किया था प्रथम दिन, कथाओं को इस प्रकार सुनिए। ये सोचिए कि हम जो कथा में बैठे हैं, यहाँ जो दृष्टांत आ रहा है उसमें हम एक शामिल हैं, अपने को उसमें शामिल करें। प्रहलाद की कथा हो, ध्रुव की कथा हो, बाणासुर की कथा हो, जिसकी भी कथा हुई है, उन कथाओं में, कृष्ण की लीलाओं में सोचिए कि मैं कौन सा सखा हूँ, मेरा स्थान कहाँ पर है, उसको आत्मसात करिए। जीवन में कितना परिवर्तन आएगा आप सोच भी नहीं सकते। आप कल्पना करेंगे वह सब काम होता रहेगा। आपको लगेगा अरे ये तो मैं कभी सोचता था, किसी से कहा भी नहीं, ये काम कैसे हो गया। भगवान ऐसे करते हैं। आपके मन में चल रहा है कि अमुक चीज खाने का मन तो है लेकिन यहां कहीं उपलब्ध नहीं, पता नहीं कहां से कौन ला करके वो भोजन कराता है। जब आपको स्मृति और श्रुति दोनों जागृत हो जाएगी, हमारी जो श्रुति है, जैसे श्रुति जो है वेद है, और श्रुति हमारी जो श्रुति हुई सोई हुई जो बुद्धि है वो जग जाए, तो एक दिन हम माँ की गोद में नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर रहे थे, जंगल था जहाँ भोजन तो दूर की बात लेकिन पीने के पानी की भी समस्या हो, ऐसी जगह में हमने मन में विचार किया कि आज यहाँ अजर थोड़ा सा मीठा और भोजन मिल जाए, बढ़िया, कितना आनंद आए, कितनी गहरी छाया है, जहाँ 25-25 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं हो, ऐसा जंगल। हम लोग विचार कर रहे थे तो कुछ लोग जंगल में पिकनिक मनाने आ रहे, उन्होंने देखा कुछ संत जा रहे हैं, हम लोगों को कहा कि स्वामी जी नर्मदे हर, हम लोग रुक गए, क्या बात है भैया आप लोगों ने भोजन किया कि नहीं। मैं कहा भोजन तो नहीं किया है, अभी चल रहे हैं, कोई गांव आएगा तो भिक्षा मांग लेंगे। बोले नहीं नहीं महाराज बैठिए बैठिए बैठिए। हमने मात्र संस्मरण के अंदर जो है मन में विचार किया था 20 मिनट हुए होंगे, और 20 मिनट के बाद देखते क्या है कि दही पराठे मिठाई नमकीन दो प्रकार की सब्जी और हमको सबसे ज़्यादा प्रिय चटनी, तो रोटी और चटनी दोनों मेरे को प्राप्त हुई। ऐसे घोर जंगल में आपके अंदर भगवान के प्रति भाव से पुकारो, भाव से जब पुकारेंगे ना तो परमात्मा निश्चित हमको दर्शन भी देगा और हमारी बात भी सुनेगा। वो किस आपकी योग्यता के ऊपर आपको दर्शन देगा, आपकी योग्यता कितनी है। यदि हमारे अंदर जितनी क्षमता होगी उतनी, जैसे व्यक्ति को क्या होता है कि एक जीरो वाट का बल्ब होता है, उसकी तरफ हम हजारों मिनट तक अगर देखते रहें तो भी कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। और यही वही दृष्टि हम अगर एलोजन होता है हजार वाट का, उस एलोजन की तरफ हमारी दृष्टि अगर डालेंगे तो मुश्किल से 2 या 3 सेकंड के बाद में आँखों में जो दृष्टि पूरी बाधित होने लगेगी और दृष्टि के अंदर दोष आने लगेगा कि भाई मुझे अब जो है यहाँ से दृष्टि हटानी चाहिए। तो हमारा जो दृष्टिकोण परमात्मा के प्रति कैसा, हम पात्र कैसे हैं, जैसा पात्र होगा जैसा पावर होगा परमात्मा उसी रूप में उसको आके दर्शन दे देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति से आज तक आपकी परिचय नहीं है, और परिचय नहीं होने के बाद भी कोई व्यक्ति आपसे मिलता अमुक आदमी और कहता सब आपको मेरे को पहचाना, बोले नहीं अरे आप तो भूल गए। वो किस रूप में आपको भूल गए ऐसा बोल करके दर्शन दे करके थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो कहाँ गया पता नहीं लगता है। तो जितनी आपकी क्षमता है परमात्मा उसी रूप में आपको दर्शन दे देता। परमात्मा तो नित्य हमारे साथ है लेकिन किस रूप में दर्शन दे देगा ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। वाह धन्य है। भरोसा में कमी है हमारे, उनके देने में उनकी करुणा में कोई कमी नहीं है। एक संत भजन कर रहे थे तो एक व्यक्ति को डिस्टर्ब हो रहा था, बार बार जाकर हे बाबा इतना सवेरे सवेरे तुम शुरू हो जाते हो कीर्तन करते हो बंद करो ये सब। लेकिन वो फिर भी बंद ना करे तो उसने कहा एक दिन तुमको इससे मिलता क्या है,
क्यों करते हो इतना सीताराम सीताराम, जो मन में आया राधे श्याम गोविंद, क्या मिलता है? बोले मुझे जो कुछ मिलता है इसी से तो मिलता है, इसी से मिलता है, इससे भला कुछ मिल सकता है? मुझे तो नहीं लगता इससे कुछ मिलता होगा। बोले विश्वास नहीं हो तो विश्वास करके देखो। बोले देख लो, एक मैं चैलेंज आपको दे रहा हूं, क्या मुझे मिलेगा? हाँ मिलेगा, यदि हम नहीं चाहेंगे तो भी मिलेगा। बोले आप चाहो अथवा ना चाहो, वो तो अपना काम करता है, वो तो खिलाने पिलाने का पूरा प्रबंध करता है। खाली कोई माला लेकर बैठे तो सही। उसने कहा मैं माला लेता हूँ और मैं माला जपूंगा, यदि उसने भोजन का प्रबंध मेरा नहीं किया तो तुम्हें भी माला छोड़ना पड़ेगा। बोले पक्का ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। उससे माला लिया और मंत्र लिया। था तो बहुत नास्तिक, लेकिन नास्तिक की जब नास्तिक भक्ति करता है तो उसकी प्रतिष्ठा अलग होती, दृढ़ विश्वास के साथ करता है। और वह घर में प्रातः से शुरू किया, मन में आया कि यहाँ यदि घर में बैठूंगा तो कोई न कोई जबरदस्ती खिला देगा, माता पिता भाई कोई भी। सोचा कि मैं जंगल जाता हूँ, जैसे स्वामी जंगल चले गए तो जंगल चला गया। जंगल में जा कर के एक वृक्ष के पास बैठा, वहाँ भजन करता रहा दिन भर। अंधेरा होने जा रहा था, सोचा कि यहाँ भी लगता है कोई यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई खिला दे। तो वह वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, सोचा अब तो यहाँ कोई नहीं आएगा और हिंसक जानवर भी नहीं आएगा, क्योंकि जानवर आकर के हमें भी तो खा सकता है। ऊपर पेड़ पर चढ़कर बैठा, वहीं जाकर के माला कर रहा, बस रात भर की बात है, सुबह बाबा जी के पास जाऊंगा। फिर क्या था, इतने में कुछ व्यापारी पथिक गण आए, उनको शाम का भोजन करना था, तो अपने अपने घर से भोजन लेकर आए थे। उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके सब भोजन के लिए सब खोलने लगे, हाथ धोने लगे। इतने में एक डाकुओं का जो है उनकी टोली, डाकुओं का सरदार घोड़े पर बैठकर उसे आता हुआ दिखाई दिया। एक ने कहा कि भागो जल्दी से, डाकू आ रहे सब लूट लेंगे, भागो भागो। तो सब फटाफट अपना माल बटोर करके भागे, लेकिन जो भोजन खोल के रखा था वहीं रह गया। और डाकुओं का सरदार वहाँ आया, घोड़ा रोक करके देखा कि यहाँ तो भोजन बड़ी गरम गरम भोजन की सुगंध आ रही है, तो सबको बड़ा अच्छा लगा। तो एक ने कहा सरकार भूख तो लगी है, भोजन का वक्त है, लगता है प्रबंध हो गया, भोजन किया जाए। उसने कहा खबरदार ऐसे मत करना, हो सकता है इसमें जहर मिला के छोड़ गया हो, ऐसे खाते है क्या? देखो इधर उधर कोई है क्या? एक इधर उधर देखने लगा किसी को खिला के तब खाना है। धीरे धीरे खोजते खोजते एक आदमी की नजर ऊपर चली गई, सरदार लगता ऊपर कोई बैठा है। अरे यही है, इसी ने लगता है जहर मिलाकर ऊपर बैठा होगा। एक ने कहा कि गोली मारो, गोली गोली मारो यहां से। वो कहता कि नहीं नहीं गोली मत मारना, हमने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है तो नीचे आओ पहले भोजन करके दिखाओ। बोले नहीं नहीं मैं भोजन नहीं करूंगा, चाहे जो कुछ भी करवा लो। उसने तो ठान रखा तो मुझे भोजन नहीं करना, कहा कि भाई कुछ भी करवा लो मैं भोजन नहीं करूंगा। उसने कहा कि भोजन कैसे नहीं करेगा, तू जहर मिलाया हुआ है, नीचे आने तो गोली मारूंगा। बेचारा गोली मत मारना, मैं नीचे आ रहा हूं, डर के मारे नीचे आया, बैठाया उसको, ले भोजन कर, नहीं करूंगा। एक तमाचा खींच के मारा, कैसे नहीं करेगा भोजन कर। फिर रोने लगा, नहीं करूंगा नहीं, फिर मारा, खाओ, मार मार के इसमें से खाओ, उसमें से खाओ, उसमें से खाओ, खिला खिला के मार मार के खिलाया। अब वो रोए भी और खाए भी, याद करे बाबा जी ने ठीक कहा था, नहीं खाओगे तो मार मार के भी खिलाएगा। आज सही हो गया कि मार मार कर खिलाता है। बाद में डाकुओं ने भी खाया, माला झोली लेके घर आया, सवेरे बाबा के दरबार में पहुंच गया। बाबा विश्वास हो गया कि वह तो मार मार के भी खिलाता है, इतना प्यार करता है, हमारा गाल फुला दिया, लाल लाल कर दिया मार मार। बाबा
अब मैं भजन करूँगा, हाँ भजन करूँगा। वही महापुरुष भजन करते करते एक दिन संत मलुक दास बने। आपने सुना होगा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। तो अब मैं कथा को वहाँ तक ले चलता हूँ, प्रसंग को, स्वामी जी विराजमान है। तो अभिमान भक्तों के अंदर केवल अभिमान नहीं हो तो भगवान अपना आने के लिए सहज में तैयार रहते हैं। समस्या तो हमारे अभिमान को लेकर हो जाती है। कितने है हयो नहुषो वेनो रावणो नरको परे, श्रीमदाद भ्रंशिता स्थानाद देव दैत्य नरेश्वरा। है वंशी राजा का विनाश हो गया अहंकार में। राजा नहुष देवाधिपति इंद्र पदवी को प्राप्त करके भी पतन प्राप्त हो गया उसका अहंकार में। रावण नरकासुर बाणासुर, अभी जो देखा अपने भौमासुर नरकासुर, भगवान के हाथों ये सब मारे गए, क्योंकि केवल अभिमान ही कारण था। ऐसे अभिमानियों में एक है शिशुपाल जरासंध। भगवान ने सबका उद्धार करना था। एक दिन संदेश आया एक ब्राह्मण लेकर के, प्रभु आपने जब से नरकासुर के कारागृह से उन बच्चियों को मुक्त किया है, तब से जरासंध के कारागृह में बंद हुए हजारों राजाओं ने प्रार्थना पत्र भेजा है आपके पास, एक अपील की है कि प्रभु हमें भी यहाँ से मुक्त कराइए। जो जरासंध ने कारागृह में बंद कर रखे हजारों राजाओं को। इधर युधिष्ठिर महाराज का संदेश आया हुआ है कि उन्होंने आपको हस्तिनापुर बुलाया है। तो भगवान ने सोचा कि पहले कहाँ जाऊं, तो भगवान पहले हस्तिनापुर गए, वहां यज्ञ करने के लिए उत्साहित किया। उसने युधिष्ठिर ने कहा, महाराज अश्वमेध यज्ञ तो चक्रवर्ती सम्राट करता है, अभी तो मगध में मेरा राज्य नहीं है, चेदी में मेरा राज्य नहीं है। तो भगवान ने चार सब भाइयों को अलग अलग दिशाओं में भेजा है दिग्विजय के लिए। स्वयं अपने साथ में भीम और अर्जुन को लिया, गए मगध में। मगध नरेश जरासंध दान करता था, तो दान करने वाले को भगवान मार नहीं सकते, क्योंकि दान करने वाला सबसे बड़ा होता है। भगवान उसके सामने फिर आज एक बार भिक्षुक बन गए। भक्तों के सामने बार बार भिक्षुक बनते हैं। और ब्राह्मण बन के लाइन में लगे, क्या चाहिए ब्राह्मण देवता बोलिए, तुम्हें सोचो। ये ब्राह्मण बोलिया, हमें द्वंद्व युद्ध आपो, मुझे द्वंद्व दुद्ध युद्ध प्रदान करो। पहचान गया युद्ध कोई ब्राह्मण नहीं मांगता, तुम्हें कोई क्षत्रिय हो, बोलो कौन हो। भगवान ने अपने रूप दिखाए तो कहा कि हम तुमसे क्या युद्ध करें, तुम तो रणछोड़ राय हो। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रणछोड़ छे। चूंकि 17 बार मथुरा में हारने के बाद 18वीं बार में वह तो कालियवन को लेकर आया था द्वारिका में चढ़ाई करने, भगवान द्वारिका माथे निकल गया बाहर निकल करके और अकेले युद्ध करने तैयार हुए। और जो कालियवन था उसको लेकर भगवान एक पहाड़ी में ले गए, मुचकुंद पहाड़ में। उस पहाड़ में एक मुचकुंद नामक सूर्यवंशी प्रतापी राजा मांधाता का पुत्र मुचकुंद विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। उसके ऊपर चदरी उढ़ाई, अपने पीताम्बर उढ़ा दिया, स्वयं जाकर छिप गए। पीछे से कालियवन आया, लात मारी, पीताम्बर खींची तो उसके आंख खुली। जैसे उसने देखा तो कालियवन जलकर भस्म हो गया। काल को जीता नहीं जा सकता, काल को जलाया जा सकता है, भगवान ने यह संदेश दिया। और उसके बाद भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ राय। आज वो कह रहा है कि आप तो रणछोड़ हैं, हम क्या युद्ध करेंगे, अर्जुन तो दुबला पतला मुझसे छोटा भी है। हाँ, भीम को देखकर तैयार हुआ, भीम के साथ युद्ध हुआ है। दिन भर युद्ध करते हैं, शाम को साथ में बैठकर भोजन कराते हैं, ये आतिथ्य धर्म है। 22वें दिन भीम कांपने लगा कि अब लगता है मेरी मृत्यु निश्चित है। भगवान से कहता है, तुम लोग मुझे मरवाने के लिए ठान कर आए हो,
देखते रहोगे और मैं मर जाऊंगा, ये तो मरेगा नहीं, अजर अमर लग रहा है और मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। भगवान ने कहा कि तुम भैया आप प्रयत्न तो करते हैं, कर्म तो करते हैं, मुश्किलों का सामना भी करते, लेकिन कभी मेरी तरफ देखते नहीं हैं। आप भगवान के समर्पित होकर कर्म करिए, लेकिन कभी कभी भगवान की तरफ भी देखिए कि वो क्या इशारा करना चाहते हैं। वो जरूर समाधान करेंगे, समस्याएं चारों तरफ से कितनी भी आ जाए, लेकिन याद रखना जब हम भगवान की तरफ याद करते हैं वो समाधान की गाड़ी, समाधान का विमान वही उतार देता है। परिणाम क्या हुआ? आज फिर से युद्ध हुआ, भीम ने भगवान की तरफ देखा, भगवान एक तिनका निकाले और ऐसे उठा के एक उधर फेंका, एक उधर फेंका, दोनों तिनकाओं को अलग अलग फेंक दिया, समझ गया मुझे फाड़ना है, इसको मारना नहीं है, फाड़ना है। फिर क्या था, इस बार उठा के जो पटका जरासंध पर, एक पैर पे पैर रखा, दूसरा पैर उठाकर यूं करके फाड़ा और फाड़ करके एक उधर और एक उधर फेंका। जरासंध का संहार हुआ, उसके बेटे को भगवान ने राजगद्दी सुपुर्द की और वहाँ के सब राजाओं को कारागृह से मुक्त किया। यहाँ आकर के यज्ञ संपन्न कराए, इस यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी हो इसकी चर्चा हुई। पांडवों ने एक स्वर में कहा कि द्वारिकाधीश ही प्रथम पूजनी। चेदि नरेश शिशुपाल ने विरोध किया, भाई राजा तो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, इसकी क्या प्रतिष्ठा है, आज तक पता नहीं चला कि कितनी माँ है कितने पिता हैं इनके, कभी ये यशोदा मैया कभी देवकी मैया, समझ में नहीं आता। लेकिन अर्जुन लड़ना चाहता है, भगवान ने कहा मैंने इनकी माँ को यानी अपनी मौसी को वचन दिया है कि मैं इसके 100 अपराध को माफ करूंगी, और 100 अपराध 100 गिनती तक भगवान ने माफ किया है। जहां 100 पूरा, भगवान ने कहा कि बस सावधान हो जाओ, इसके बाद यदि एक गालियां दी तो तुम्हें माफ नहीं करूंगा। फिर क्या था, उत्तम तमा कर फिर गालियां दिया, भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया, सुदर्शन सुदर्शन जयासन, जाते हुए तुरंत सबके बीच माथी गया और जाके गर्दन काट करके उतार करके चरणों में लाकर गिरा दिया है। और उनके साथ ही सब दौड़े तो पांडव ने उनके साथ युद्ध किया और उन सबको दंत वक्र, उनके साथ में और दो चार थे, सबका संहार किया और यज्ञ बहुत धूमधाम से फिर संपन्न हुआ। ये है सब सोचे प्रेम सगाई, सब सो प्रेम सगाई, सबसे ऊँचे प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम के बस पारथ रथ हा क्यों, प्रेम के बस पारथ रथ हा क्यों, भूल गए ठकुराई, सब भूल गए ठकुराई, प्रेम सगाई, सबसे बहुत प्रसिद्ध हुआ युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊँचे प्रेम सगाई, सबसे ऊँचे प्रेम सगाई।
सब सोचे प्रेम सगाई सबसे ओचे प्रेम सगाई सोचे प्रेम सगाई सबसे ओचे प्रेम सगाई सबसे ओचे प्रेम सगाई सबसे ओचे प्रेम सगाई प्रेम की अपरंपार महिमा है। प्रेम का इतना महत्व प्रभु देते हैं, ऐसे ही प्रभु का एक प्रेम संबंध का उदाहरण आता है भक्तराज श्री सुदामा का। कौन नहीं जानता श्री सुदामा पांड्या, पोरबंदर का रहने वाला, पोरबंदर गुजरात में रहने वाले, संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते और वहाँ उनको प्रथम दिन ही भगवान से मित्रता हो जाती। एक बार सुदामा जी गए थे लकड़ी बीनने के, लकड़ी चुनने के लिए, और वन में गए, वहां एक कंटक चुभ गया, कांटा चुभ गया सुदामा जी के पैरों में। सुदामा पैर पकड़ के जोर जोर से रोने लगे, तभी भगवान उस समय प्रवेश कर रहे थे गुरुकुल में, पहली बार आ रहे थे, वसुदेव देवकी और साथ में दाऊ भैया साथ में। भगवान रथ में से कूद गए, जा करके उनके कांटे को निकालने लगे, रोने लगा, उनके पैर को अपने जंगे पर लिया और अपने होठों से बड़े धीरे से उनके कांटे को बाहर किया। सुदामा रो पड़ा कि ऐसा कोई मित्र हो सकता है? पहली बार तुम कौन है, कहां से आया है भाई, तू कौन है, मेरे ऊपर कृपा करने लगता है, कोई मेरा भगवान आ गया है। भगवान ने कहा मित्र, हम दोनों आज से मित्र हैं। पानी पिलाया, आए गुरुकुल में रहे। आज सुदामा अपने घर में, सुदामा के दो बाल गोपाल भी है, पत्नी सुशीला है, और बहुत दिन हो जाने के बाद भी आज भगवान से अभी तक मिलने नहीं गए। क्यों मालूम है? क्योंकि मिलेंगे तो कुछ वो देंगे, और हमने एक व्रत लिया, उसका नाम है अयाचक व्रत। बहुत बड़ा व्रत होता है, किसी से कुछ मांगना नहीं है, अयाचक व्रत। अयाचक व्रत ले लिया, भगवान को पता है इसलिए भगवान स्वयं नहीं आते और ना अपने यहाँ बुलाते। लेकिन ये क्या, घर में ऐसी विपत्ति आई कि विगत दो दिन से चूल्हा नहीं जला। सुदामा जी आते, आसन पर बैठते, आचमन करके उठ जाते, क्योंकि कुछ था ही नहीं। बच्चे भूखे सोते, बच्चे कहते नहीं माँ मुझे भूख नहीं है। आज भगवान स्वयं एक सन्यासी का रूप धरकर द्वार पर पधारा, खटखटाया, सुशीला आती है, प्रणाम करती है, घूंघट काट लेती है, आंखों में अश्रु, बोले देवी कुछ भिक्षा दो। सुशीला कहती बाबा
क्षमा करना, घर में सूतक हो गया है। बोले सूतक, क्या कोई मर गया? बोले नहीं, आपका आशीर्वाद है। किसी ने जन्म लिया? बोले ना। फिर कैसा सूतक, ये तो सुदामा का घर है। बोले हाँ। तब बोलने लगे, बाबा आपसे क्या छुपाऊं, संत से क्या छुपाना, सच्ची बात तो ये है कि आपको देने के लिए घर में कुछ नहीं। मेरे बच्चे अभी भी सो नहीं रहे, सोने का नाटक कर रहे हैं, भूखे उन्हें नींद कहां से आएगी? देवी तो ऐसी विपत्ति में अपने कुटुंब और परिजनों का सहारा लेना चाहिए। बोले कि महाराज आप सन्यासी, आपको पता नहीं ये दुनिया वाले कैसे होते हैं। अपने घर में यदि धन होता है तो सब उधार देने के लिए तैयार होते हैं। अपने घर में भोजन बना हो तो टेलीफोन कर करके बुलाते हैं, बहन तुम्हें यहाँ आई जाओ ना, भोजन करी जाओ ना एक बार है? लेकिन अपने घर में यदि कुछ नहीं हो तो कोई हम जाए तो नहीं पूछता घर में, उसके यहाँ घर में चले जाए उसके पास तो दरवाजा बंद करके लोग भोजन कर लेते हैं छुप करके। तो बड़ी मुसीबत है, विडंबना है। तो यदि कुटुंब परिजन काम नहीं आए, भगवान ने कहा ऐसे कुटुंब को धिक्कार है, परिजन या उसको परिजन नहीं कहते, उसको कुटुंब नहीं कहते, जो मुसीबत में आकर खड़ा ना हो जाए साहब, ये ना कहे कि बेटा चिंता मत करो भाई, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, किस बात की चिंता है, लो पैसे जब होगा तब देना, लेकिन अभी अपना काम पूरा करो, उसको कहते हैं कुटुंब, उसको कहते हैं सगे संबंधी। सगे संबंधी इसलिए नहीं बनाते कि तुम अपना खाओ हम अपना खाएं, तुम उधर गाओ हम इधर गाएं, तुम उधर रहो हम इधर रोएं, इसलिए कुटुंब नहीं होते। तो बेकार है तुम्हारा ये लाखों रुपये खर्चा करके विवाह का संबंध बनाना है। लाखों रुपये एक साथ खर्च किया, लाखों हजारों आदमी इकट्ठा हुए, सबने भोजन किया, एक दूसरे से परिचय कराया, क्यों क्यों परिचय कराया? यदि तुम सबको अलग अलग ही करना था तो अकेले लड़का लड़की विवाह कर लेते, अलग रह लेते, इतना बड़ा संबंध किया, इतने सारे लोगों का एक जगह उपवेशन किया, सबके लिए इतना खर्च किया, क्यों किया? इतने सारे रस्म रिवाज क्यों अपनाए? क्योंकि इसी बहाने सब एक दूसरे से बंध जाएंगे। जब किसी एक लड़का और लड़की का विवाह होता है तो केवल दो ही नहीं मिलते, पूरा गांव से गांव मिल जाता है, एक समाज से समाज मिल जाता है, एक परिवार से परिवार मिल जाता है, हर एक व्यक्ति के पास लगता है अब मैं अकेला नहीं, मेरा एक कुटुंब भी है जो मुसीबत में खड़ा हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है उस व्यक्ति का जो कुटुंब होने का ढोंग करता है, कुटुंब नहीं बन सकता। भगवान ने कहा कि देवी तो यदि ऐसा नहीं है तो कोई भाईबंध देख लो, मित्र देख लो, कोई मित्र भी काम आ सकता है। बोले महाराज क्षमा करो, तुम्हें तो सन्यासी छो, आपको कैसे पता चलेगा? या मित्र तो उसके होते जिसके घर में होता है, जिसके पास कुछ नहीं है उसके कोई मित्र नहीं होता, कोई खड़ा नहीं होता। क्षमा करना, दुर्भाग्य है, मित्र इसको नहीं कहते हैं। एक मित्र के घर में बेटी का विवाह था तो वो व्यक्ति दूसरे मित्र के पास आया, सवेरे सवेरे आ गया कि नौकरी में ना निकल जाए, और आकर के चाय पिया और उसने बताया कि मित्र बिटिया की शादी तय हो गई है, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, 50,000 कम है। तो दूसरा मित्र जिसके यहाँ गया था वो रात में ही एक दिन पहले ही पगार, एक महीने का पगार लेकर के आया, रखा था, वो सीधा गया तिजोरी से वो गड्डी 50,000 के निकाली और निकाल के मित्र के हाथ में दे दिया। मित्र कम पड़े तो बोलना, और भी हम करेंगे, मैं साथ में हूँ। जब वो मित्र चला गया पैसा लेकर के, तब वह रोने लगा, उसके आंखों में अश्रु आए। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि पहले तो दे देते हो अब रोते हो, अरे जब नहीं देना था तो मत देते ना, दे करके क्यों रोते हो, दे करके तो खुश होना चाहिए, तुमने मित्र की बेटी की शादी में दिया है, कोई ऐसे वैसे जगह नहीं दिया है,
तुमने मदद किया फिर रोते हो, तुम्हें इतना मोह था पगार से तनखे से तो क्यों दिया। उसने कहा बाबरी मैं इसलिए नहीं रोता कि मैंने दे दिया, मैं तो इसलिए रोता हूँ कि मैं कैसा अभागा मित्र हूँ कि अपने मित्र के बेटी की शादी है और उसको मांगने के लिए मेरे द्वार तक आना पड़ा, मेरा दुर्भाग्य है, मुझे तो उससे पहले उसके घर पर जाना चाहिए था और कहना चाहिए था मित्र मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। मित्रता इसको कहते हैं, ये नहीं कि इंतजार करे कि वो मांगेगा तब देंगे। देत लेत मन शंक न धरे, देने लेने में मित्र हो तो कभी शंका नहीं करनी चाहिए कि दे रहे वापस करेगा कि नहीं करेगा, अंतर मन में तुम्हारी मित्रता नहीं, शंका नहीं करना। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, दुनिया वाले मित्र नहीं बनते तो भगवान को मित्र बना लो, वो तुम्हारी सब इच्छा पूरी करेगा। सुशीला कहती हां महाराज भगवान ही हमारे मित्र हैं। सन्यासी ने कहा देवी मुझे पता है सुदामा जी का बचपन का मित्र द्वारिकाधीश है, कभी उनके पास भेज देना, वो जरूर तुम्हारी सब कामना पूरी करे, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। उनको पता नहीं था। सन्यासी चले गए, सुशीला ने सुदामा से कहा कि एक बार आप जाइए और जाकर के कहिए उनसे। बोले मैं जाऊं मैं मांगूं, तुम्हें पता है मैं तो अयाचक व्रत लिया है। बोले मैं मांगने को कहां कहती हूं, आप दर्शन के लिए जाइए। दर्शन, अरे मैं आंख बंद करूं तो कन्हैया मेरे सामने ही घूमता रहता है, उनके दर्शन के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता है। तेरे दर्शन को भगवान बना मन मंदिर आलिशान, मेरा मन आलिशान मंदिर है, यही दर्शन है। बोले नहीं मैं, मेरी एक प्रार्थना है, कम से कम मेरे लिए एक बार आप द्वारिका चले जाइए, आपको कुछ मांगना नहीं है, मैं कुछ देना चाहती हूं उनको। बोले हाँ ये बात हुई, लेने नहीं हम देने जा रहे हैं, हमें गर्व है सुशीला तुम पर जो किसी के यहाँ मांगने नहीं पति को देने के लिए भेज रही हो, देवी हो तो ऐसी जो दूसरों को पास देने के लिए भेजे, जाओ दान करके आओ। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं, किसी पुरुष को धर्म पुरुष नहीं कहते, धर्म पति नहीं होता, धर्म पत्नी जो धर्म में प्रेरित करे जाओ ये दान करके आओ। सुशीला चार मुट्ठी चूड़ा लेकर के पोहा, चावल का पोहा लेकर के एक पोटली में बांध करके भगवान गए। बार बार जब कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, बार बार जब कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन के द्वार, ओ चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन के द्वार। बार बार जब कहे ब्राह्मणी, बार बार जब कहे ब्राह्मण हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले द्वारकाधीश मोहन के द्वार, ओ चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन के द्वार। द्वारिकाधीश की जय हो, श्री राम
पहुँचे नगरी माही कन्हैया कहाँ बसे। हो पहुँचे नगरी माही कन्हैया कहाँ बसे। देख बाबला लोग नगर के सभी हंसे। देख बाबला लोग नगर के सभी हंसे। इतने में एक मिलो दयालो। इतने में एक मिलो दयालो। तीनों महल बता। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन के द्वार। ओ चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन के द्वार। द्वारपाल सुदामा जी द्वार पर पहुंचे हैं तो द्वारपाल ने रोका, लौटा दिया। दूसरे द्वारपाल ने कहा कि नहीं नहीं बैठो, आपका परिचय क्या है? परिचय पूछा, भगवान के पास अंदर गए और कहा, द्वारपाल जा कहियो आदमी एक आयो। द्वारपाल जा कहियो आदमी एक आयो। भक्तराज सुदामा की जय हो। द्वारपाल एक हो। द्वारपाल जा कहियो आदमी एक आयो। फाट्या कपड़ा नाम सुदामा बतलायो। फाट्या कपड़ा नाम सुदामा बतलायो। भगवान ने पूछा उसका नाम क्या है, बोले नाम तो सुदामा कहे छे। सुदामा सुना, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया लगे से। सुदामा को मोहन लगाया गले से। सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से। सुदामा को मोहन चंभा हुआ। रुकमणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। हाँ ये मेहमान कैसा अजीबा। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया सुकह दो। अरे द्वार पालो मिलने सुदामा गरीबा गया।
और कन्हैया नीचे बैठ करके सुदामा के चरण धो रहे हैं। रुक्मिणी से कहा कि जल लेकर आओ, रुक्मिणी गई जल लेने, लेकिन प्रभु ने तो चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करे करेगा गया, अरे बाल बहनो कन्हैया से कहो, अरे बाल बहनो कन्हैया से कहो, हाय सखा तुम पाए महादुख, आए इतन कितने दिन खोए, इस विपत्ति में तुम अकेले ही झेलते रहे, मित्र किस काम, किस दिन काम आएगा, एक बार भी नहीं देखा मेरे तरफ, कहा भी नहीं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय सराथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन पे जल सो पद धोए, पानी पर्वत को हाथ छुओ नहीं, नैनन पे जल सो पद धोए, देख सुदामा की दीन दशा कर करुणा निधि रोए, देख सुदामा की दशा करुणा करे करुणा निधि रोए, पानी पर को हाथ छुओ नैनन के जल सो पर धोए, पानी पर को हाथ छुओ नैनन के जल सो पर धोए। सुदामा का बड़ा भगवान ने आदर सत्कार किया, पाद प्रक्षालन के बाद घर ले गए, स्नान कराया, भोजन कराया, विश्राम करने लगे, रुक्मिणी पंखा झलने लगी, भगवान चरण दबाए, चर्चा होने लगी, तो सुदामा बारंबार अपनी पोटली को छुपाने की चेष्टा करे, पहले तो सोचा कि आया था दे दूंगा, लेकिन जब देखा कि इनके यहाँ खाने पीने का ऐसा प्रबंध है तो मैं इसके सामने ये सूखा सूखा चावल क्या दूँ, छुपा रहे थे, भगवान ने देखा कि मेरी श्रद्धा और भक्ति को छुपाता है, भक्ति छुपाए छुपती नहीं है, जीव अपने अज्ञान को छुपाता है, लेकिन जीव जब भगवान की शरण में हो तो भगवान हाथ उठा करके भी अज्ञान को खींच लेते हैं, भगवान ने सुदामा का हाथ उठाया और पोटली को खींच लिया और छीन करके, खाने की तो इनकी पुरानी आदत है, छीन कर पोटली खोली, देखा कि बस एक मुट्ठी खाया, सुदामा के जीवन में क्षयश्री लिखा था, उस क्षयश्री को उल्टाया, यक्षश्री कर दिया, क्षय का उल्टा क्या होगा, यक्षश्री का पुरस्कार दिया, यानी कुबेर को जितनी संपदा है वो सुदामा हमारे मित्र को हो, दूसरा ग्रास उठाया है, उठाते ही रुक्मिणी ने रोक लिया, क्वा का हम दरिद्र पापेया, दूसरी मुट्ठी को रुक्मिणी रोका इसलिए कि भगवान हम पत्नी हैं, हमारा आधा हक है, ये ब्राह्मण के घर का आया हुआ चावल हम लोगों के लिए प्रसाद होता है,
अब प्रसाद अकेले नहीं खाते, बांट कर खाना चाहिए। हम सब रानियों को मिलेगा, हम इसको इसकी खीर बनाएंगे, सबको रात में खाएंगे, सबको प्रसाद। तो रख लिया। सुदामा मनी मन कहते देखो कृष्ण कैसा है, कितना उदार है। क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधु रुति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। फिर भी इन्होंने द्वारिकाधीश चक्रवर्ती सम्राट होते हुए इन्होंने अपनी भुजाओं में मुझे भर लिया, मुझे सबके सामने उच्च आसन पर बिठाया। कितना उदार है भगवान मेरा। इस प्रकार भगवान ने दो दिन रखने के बाद सुदामा को विदा किया है। देखने के लिए तो सुदामा को भगवान ने कुछ दिया नहीं, लेकिन जिसको चाहिए था उसको इतना दिया। सुदामा जब लौट कर गए वहाँ तो सुदामा पूरी बन गया और देखकर डरने लगे अपने घर को। अरे मंदिर देख डरे सुदामा जी, मंदिर देख डरे जीवन धन्य हो गया। सुशीला को जो चाहिए उसको मिल गया। सुदामा ने कहा अच्छा तो यदि इतना ख्याल करता है, मुझे तो बस तेरा ख्याल करना है, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, मुझे संपदा वैभव से मतलब नहीं। सुदामा ने भजन नहीं छोड़ा। बाद में कई बार सुदामा द्वारका जाने लगे और जाते आते रहते मिलते रहते। ग्यारहवें स्कंद में यदुवंशियों का तो शाप लगा है। यदुवंशियों के विनाश में दो कारण, एक तो गांधारी का श्राप लगा था, दूसरा आज ऋषियों का संतों का भी श्राप लग गया। विश्वामित्र असितः कन्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रिवशिष्ठो नारदादयः। अनेक ऋषि वहां आए, उनके यहाँ द्वारिका में निवास कर रहे थे। तभी जो जाम्बवती का एक पुत्र है, नाम है सांब को उनके साथियों ने, अनिरुद्ध आदि ने लड़की बनाया, स्त्री बनाया, बना करके पेट पर कपड़ा लपेट कर गर्भवती स्त्री बनाया, संतों से मजाक करने के लिए संतों के पास लाया और कहने लगे बाबा जरा बताइए कि क्या होगा, लड़का होगा अने लड़की होगी।
महात्मा लोग कोशिश करे, चिंतन करे, कुछ समझ में आवे ही ना, नहीं बता पाए, तो सब हंसे कि बाबा सब नकली है, असली बाबा नहीं है, नकली बाबा, असली होते तो बताते, नकली बाबा क्या बताएं। उसी संत, उन्हीं संतों के मध्य में दुर्वासा भी थे, उसने कहा अच्छा हमको नकली बताता है, आओ हम बताते हैं इसमें क्या निकलेगा। एवं प्रलब्ध मुनयस्तानुचु कुपितानृप जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुशल नाशनम, मुसलम कुल नाशनम। अब इससे लड़का और लड़की नहीं होने वाला, इसके सुख गर्भ से तो एक मूसल निकलेगा इसके पेट से, जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। लड़के सब भागे डर के मारे, बाहर जाके कपड़ा हटाया, जैसे कपड़ा खोला तो सचमुच में उससे एक मूसल प्रकट हुआ। फिर क्या करते, डर गए। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर ने कहा भगवान से मत बताना नहीं तो बहुत नाराज होगा। उसको चूर्ण तत्चूर्ण इत्ता मुसलम यदुराज स आहूक, सबको पीस करके उसको चूर्ण करके समुद्र में फेंक दिया। छोटा सा एक टुकड़ा बच गया, वो नहीं पीसा जा रहा था, उसको भी फेंक दिया। उस छोटे टुकड़े को मछली ने खा लिया, निकल गई मछली, जिसको एक व्याधे ने मछली को पकड़ा, उसको मांस के लिए खाने के लिए, पेट से लोहा निकला, उसको बाण का अग्रभाग में लोक बनाया। और इधर जितने चूर्ण थे सब एरका के वृक्ष बनकर प्रकट हुए समुद्र किनारे। एक बार द्वारिका में तूफान आया, वाव, ऐसा तूफान आया जैसे अभी उड़ीसा में फोनी तूफान आया था, वैसे ही द्वारिका में तूफान आया, थमने का नाम नहीं ले, आंधी तूफान वर्षा, आंधी तूफान वर्षा, कभी ये गिरे कभी वो गिरे, कई दिन बीत गए। भगवान ने सबसे कहा अब यहाँ रहना मुश्किल है, सब यहाँ से द्वारिका छोड़कर चलिए, सबको लेकर भगवान सोमनाथ के दरबार में प्रभासक क्षेत्र में लाए, यहाँ सबने टेंट लगाकर अपना अपनी छावनी बनाकर निवास करना शुरू किया। लेकिन भगवान की ऐसी माया हुई, रात्रि में सबने मदिरा का पान किया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सबने मदिरा पिया, और फिर क्या था, एक दूसरे की गुटबाजी हुई, ग्रुप में बट गए, एक दूसरे को गालियां देने लगे, गालियां होते होते मारने लगे, वहीं समुद्र किनारे से एरका के पत्ते लाते बड़े बड़े, एक दूसरे को मारते और सब मरते चले जाते, एक एक करके 56 करोड़ यदुवंशियों का वहीं पर समाप्त हो गया, संहार हो गया, सबका समापन हो गया। भगवान कुछ कर नहीं सके, भगवान वहीं पास में भालका तीर्थ, भालका क्षेत्र, वहां जाकर वृक्ष के नीचे आसन लगाकर साक्षी भाव में विराजमान था गया। इसको कहते हैं भगवान, फैलाया तो 56 करोड़ परिवार बना दिया, और जब समेटने लगे जाने से पहले सब समेट भी दिया। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि केवल फैलाना आता है, समेटना नहीं आता किसी को, हम तो केवल फैलाते फैलाते चले जाते दुनिया से, समेट नहीं पाते। माया को फैलाया तो माया को समेटना भी सीखना पड़ेगा, उपसंहार भी जरूरी है। भगवान ने अपने जाने से पहले ही समेट दिया। बलराम भैया से एक अपराध हो गया कि तीर्थ भ्रमण करते समय जब ये नैमिषारण्य पहुँचे थे तो बलराम भैया से श्री सूत जी का वध हो गया। समझ में नहीं आया, लेकिन तब सारे ऋषियों ने कहा ये तो बड़ा गलत हुआ है। तब बलराम जी ने श्री सूत जी के पुत्र को भूरी श्रवा को फिर व्यासासन पर पधराया, कथा वहाँ की शुरू की, और स्वयं अपराध का बोध होने से प्रायश्चित करने के लिए अन्य तीर्थों में गए। बाद में वहीं पास में गोलोक धाम है, वहाँ सोमनाथ में, वहाँ बलराम जी ने समाधि ले ली, और भगवान अब प्रयाण करना चाहते हैं। आकाश में देवताओं की श्रृंखला बन गई है,
ब्रह्मा जी पुष्प बरसाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु स्वधाम पधारो। और भगवान सबके देखते देखते जाना चाहते हैं। इधर बहेलिया आता है, बहेलिए के बाण भगवान के चरण में लगे, वो बाण वहाँ से उड़ करके माथा में जब टच किया है भगवान को, भगवान घायल है। वह बहेलिया दौड़कर आया, क्षमा याचना क्षमा मांग रहा है। भगवान ने कहा कि क्षमा छोड़ी दो, तो जाओ, तुम्हारी कुछ इच्छा थी पिछले जन्म में, तुम तो बाली हो, तुम्हारी इच्छा थी कि भगवान ने मुझे छुप कर मारा है, मौका मिले तो मैं भी एक दिन मारूं। यद्यपि भगवान ने बाली को स्वर्ग दिया, क्या नहीं दिया, लेकिन क्या ऐसा कोई न्यायाधीश होगा कि छोटी सी कोने में पड़ी हुई मन की इच्छा हो तो वो भी भगवान पूरा करवावे और स्वयं स्वयं उनके हाथों मरना स्वीकार किया है। ये है न्याय देना, ये तो हमारे भगवान है द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश की। और आखिर में भगवान सबके देखते देखते महाप्रयाण कर रहे हैं। अर्जुन को भगवान ने समझा कर कहा कि भाई सबको वहां से ले जाओ, वरना दो दिन के बाद द्वारिका समुद्र में लीन हो जाएगी। अर्जुन आए, सबको रानियों को लेके जा रहे थे हस्तिनापुर, मन में थोड़ा सा आया कि भगवान तो स्वधाम जा रहे हैं, मेरे भरोसे इतना सारा ये बोझा मेरे सिर पे लाद दिया। भगवान ने सोचा कि देखो हमने सेवा का मौका दिया है, सेवा को ये बोझा समझता है, जो सेवा का को बोझा समझेगा वो श्रीहीन हो जाएगा। भगवान ने तुरंत ऐसा चमत्कार किया, खुद कोल भील बनकर आए, अर्जुन से युद्ध करके अर्जुन को हाथ पैर बांध दिया और सब रानियों को लेकर चले गए। हाँ, निहत्था अर्जुन, गांडीव का तेज खत्म, उदास अर्जुन चला गया। शक्ति तो भगवान से मिलती है, लेकिन भगवान की सेवा को बोझ समझता है वह शक्तिहीन हो जाएगा। इसके बाद वसुदेव जी और नारद जी का संवाद, जिस संवाद में नारद जी ने भगवान की भक्ति करने का संदेश दिया और अवधूत भगवान का, भगवान दत्तात्रेय का सुंदर संवाद। भगवान दत्तात्रेय ने अपने जीवन से शिक्षा दी कि देखो हमने जीवन में 24 प्रकार के गुरु किए। गुरु का मतलब जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो, हमने 24 स्थानों से जलचर थलचर नभचर सबसे ज्ञान सीखा है, पंच महाभूतों से शिक्षा ली है, अग्नि से सीखा है कि कभी कुछ संगर नहीं करता, अग्नि को जो दीजिए वह खा जाता है और खाता है सबको, मिल भी जाता है सब देवताओं को, संगर नहीं करता। पृथ्वी से धैर्य सीखा, जल से सबको धो देने के लिए सीखा, जो आए उसको शुद्ध कर दिया। हवा से सीखा कि हवा दिखती नहीं है लेकिन प्रभाव करती है, सबको श्वास भर भर कर देती है, स्वयं दिखती नहीं है, सबको जीवन प्रदान करे लेकिन दिखे ना, वो हवा से सीखा। आकाश से सीखा कितना गांभीर्य है, बड़ा बड़ा बवंडर तूफान आ जाए लेकिन आकाश कभी घबराता नहीं है, सबको अवकाश प्रदान करता है, कुछ भी हो जाए आकाश की तरह स्थिर रहिए। अनेक प्रकार से दृष्टांत दिए और बाद में नव योगेश्वर का संवाद, नव योगेश्वरों का सुंदर उपदेश। इस उपदेश के बाद सीधे 12वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। 12वें स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन, धर्म के चतुष्पाद का वर्णन हुआ है और धर्म के चतुष्पाद के वर्णन के पश्चात 12वें स्कंद में एक बार पूरी कथाओं का पुनरावर्तन हुआ है। 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में संक्षेप से पूरे भागवत को कहा है, तो थोड़े समय में पूरे भागवत का वर्णन कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। सर्वप्रथम 5 अध्याय में महात्म्य और कुछ वहाँ विधि नियमों का वर्णन,
प्रथम स्कंद में 24 अवतारों का वर्णन आपने सुना, नारद जी का पूर्व जन्म की कथा, परीक्षित का जन्म और गंगा तट पे सुखदेव स्वामी से मिलन। दूसरे स्कंद में भगवान वाराह का बड़ा सुंदर वर्णन, चतुश्लोकी भागवत और पुराणों के 10 लक्षणों का वर्णन आपने सुना। तीसरे स्कंद में उद्धव और विदुर के मिलन और पुनः विदुर मैत्री का सुंदर संवाद, और यहीं पर कपिल और देवहूति का सुंदर वर्णन, इनकी कथा, भगवान कपिल अवतार गाथा सुनी आपने। चतुर्थ स्कंद में सती का मोह देखा आपने, ध्रुव चरित्र देखा, वेन और पृथु प्राचीन वरही की कथा आपने सुनी। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, उनके पुत्रों, उनके आगे परंपरा में ऋषभ देव की, जड़ भरत की कथा भी आपने सुनी। और नरकों का वर्णन छठे स्कंद में भगवान नाम की महिमा से अजामिल की बड़ी सुंदर कथा आपने सुनी है, और वृत्रासुर की भी कथा आपने बहुत अच्छी तरह से सुनी है। सप्तम स्कंद में जय विजय को जो शाप लगा था 3 जन्मों में से, जब वो हिरण्यकशिपु बना तो फिर उसके यहाँ प्रहलाद की बड़ी सुंदर कथा भी